कसरावत में निमरानी औद्योगिक क्षेत्र के गारमेंट दुकान में सोमवार मंगलवार की रात हुई चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा है। यह तीनों ग्राम सिंगा चोरी के निवासी है। दुकान से 1.5 लाख रुपए के मूल्य की 600 टी शर्ट चुराने के बाद बड़वानी बेचने की तैयारी में थे। मोबाइल का खर्चा अन्य शौक पूरे करने के लिए गिरोह बनकर वारदात को अंजाम दिया। बलकवाड़ा थाना TI सुरेश महाले व चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र स्थित मयंक का गारमेंट्स का ताला तोड़कर 30 से 24 मई की रात 600 टी शर्ट चोरी हो जाने की सूचना मिली थी। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मुखबिर से सिंगा चोरी के 3 लड़कों को इस घटना में शामिल होने की आशंका जताई थी। पूछताछ करने पर चोरी करना कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 17, 16, 15 साल आयु के यह लड़के 12वीं और 9वीं 8वीं तक पढ़े हुए हैं। मजदूर परिवार से जुड़े होने से आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के लिए चोरी की साजिश की। गांव क्षेत्र की दुकान की रेकी के उसके बाद तीनों ने मिलकर ताला तोड़ा। टी शर्ट को बड़वानी बेचने जा रहे थे। देखिए, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नकबजनी चोरी की घटनाओं को लेकर काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके संबंध में मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया था। इसी को लेकर सिंगा चोरी में गारमेंट्स की दुकान में चोरी हुई थी। इसके अंदर बदमाश 3 बैग, जिसके अंदर 600 टी शर्टें थी, उसको चुरा कर ले गए थे। इस संबंध में सूचना तंत्र को मजबूत किया गया और उनकी सतत पतारसी की गई और इसके अंदर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 600 टी शर्टें बरामद की गई है। सर, करीब कितने का माल हुआ? करीब 1.5 लाख का माल है। ये 3 बैग में 600 टी शर्टें हैं। कसावत तहसील से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।